आज हम कुछ डीप क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि जिन चीज़ों का हम डेली यूज़ करते हैं उनकी कंडीशन ठीक ठाक रहे उसके लिए कभी कभी उनका हालचाल भी पूछ लेना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हालचाल पूछते हैं किचन चिमनी का। तो चिमनी की क्लीनिंग शायद मैंने लॉकडाउन से भी एक डेढ़ महीना पहले की थी, तो काफ़ी गंदी हो चुकी है इस वक्त मेरी चिमनी। सबसे पहले उसके फिल्टर्स निकाल लें। चिमनी काफ़ी ग्रीसी हो जाती है, लेकिन इसे क्लीन करना बहुत मुश्किल नहीं होता है, बहुत ही इजी सा मेथड है ये। देखिए इस पार्ट में कितना ऑयल स्टोर हो जाता है। इसे सबसे पहले मैं किसी प्लास्टिक बैग में निकाल लेती हूँ, उसके बाद पेपर के साथ इसे रब कर लें ताकि इसे क्लीन करना इजी रहे। और इसके बाद हमें चाहिए होगा एक्सट्रीम हॉट वाटर, और यू कैन से बॉइल्ड वाटर। पानी बहुत गर्म होना चाहिए, तभी इतनी ग्रीसी चिमनी इजीली क्लीन हो जाएगी। और कंटेनर वो लें जिसमें आपके फिल्टर्स अच्छे से डिप हो जाएं। के बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1 कप कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा एक एसिड है, तो प्लीज़ अपना फेस बचा के रखें, अपने हाथ बचा के रखें, और मेक श्योर कि आपने हाथों में ग्लव्स जरूर पहने हों। गर्म पानी में कास्टिक सोडा रिएक्ट करेगा और इसी रिएक्शन से आपके ग्रीसी फिल्टर्स बिना ज़्यादा मेहनत के ईजिली क्लीन हो जाएंगे। सारे फिल्टर्स इसमें डाल देने हैं और आप वेट करें 10 से 15 मिनट तक। 10 से 15 मिनट भी वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पहले ही क्लीन हो जाएगी ये। तो आप देख सकते हैं पानी आहिस्ता आहिस्ता कितना गंदा होता जा रहा है, क्योंकि पूरी ग्रीस इसकी अपने आप उतरती जा रही है। तो 10 मिनट से पहले भी आप इनको निकाल के एक बार चेक कर सकते हैं, अगर ये साफ हो चुके हैं तो आप इनको वॉश कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले इनकी कंडीशन क्या थी, और अब काफ़ी हद तक ये क्लीन हो चुके हैं। अगर अब आप चाहें तो 5 मिनट इनको और डिप कर सकते हैं, नहीं तो इसी टाइम आप इनको क्लीन कर सकते हैं। तो कोई भी स्क्रबर ले लें, साथ में आप कोई भी डिश सोप ले लें, तो इसको हल्का हल्का भी अगर आप रब करेंगे तो ये आराम से क्लीन हो जाएंगे। इस मेथड से चिमनी क्लीन करना मुझे सबसे ज़्यादा ईजी लगता है, और कोई भी मेथड मुझे उतना पसंद नहीं आता, क्योंकि बाकी के सभी मेथड्स टाइम और एनर्जी कंज्यूमिंग है, और जिनसे कि रिजल्ट भी उतना परफेक्ट नहीं आता। तो मुझे जब भी चिमनी क्लीन करनी होती है मैं इसी तरह से क्लीन करती हूँ। अगर आप भी इसी तरह से करते हैं दैट्स फाइन, अगर आप नहीं करते हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आप दूसरा कोई भी मेथड कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। नैरो एरिया से ग्रीस निकालने के लिए आप किसी पुराने टूथब्रश की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप 15 मिनट इनको ऐसे ही डिप कर दें तो आपको कोई स्क्रबर या ब्रश की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब बस हल्का सा इसके ऊपर डिश सोप लगाएंगे और रनिंग वाटर में इसको वॉश कर देंगे। अब बनाएंगे एक सोल्यूशन चिमनी के आउटर पार्ट को क्लीन करने के लिए। तो 1 चम्मच लिया है मैंने यहाँ पे डिश सोप, साथ ही डाला है 1 कप पानी और 1/2 कप व्हाइट विनेगर। तीनों चीज़ों को हमने मिक्स करना है। इसी के साथ हम चिमनी के पूरे आउटर पार्ट को क्लीन करेंगे। गैस स्टोव के ऊपर एक पुराना न्यूज़पेपर बिछा लिया है ताकि पानी उसके ऊपर ना गिरे। अब बस इसी सोल्यूशन के साथ सबसे पहले मैं ऊपर का पोर्शन क्लीन करूंगी, उसके बाद स्लोली स्लोली नीचे आऊंगी। देख सकते हैं इसका ऊपर का पार्ट जहाँ पे ग्लास लगा हुआ है वो भी बहुत डस्टी और डर्टी है, लेकिन बस स्कॉच ब्राइट के साथ इसी तरह से मुझे सोप लगाते जाना है और ये क्लीन होता जाएगा। अगर आपकी चिमनी का आउटर पार्ट भी बहुत ज़्यादा ग्रीसी है तो आप कास्टिक सोडा का थोड़ा सा सोल्यूशन अलग से बना सकते हैं, और स्क्रबर की हेल्प से क्लीन करेंगे तो बहुत ही इजीली वो भी क्लीन हो जाएगा। लेकिन जब भी आप कास्टिक सोडा का यूज़ करें तो मेक श्योर कि आपने ग्लव्स जरूर पहने हों। किचन चिमनी इतना स्मोक और ऑयल सक कर लेती है, तभी तो हमारी किचन की बाकी आइटम्स ग्रीसी होने से सेफ रहती हैं। लेकिन टाइम टू टाइम अगर इसे हम क्लीन नहीं करें तो इसकी एफिशिएंसी भी कम होने लगती है। चिमनी की बेटर लाइफ के लिए हमें इसे एवरी मंथ क्लीन करना चाहिए, और मैं एवरी मंथ ही इसे क्लीन करती हूँ। बट इस बार लॉकडाउन ने कुछ सिस्टम बनाया तो कुछ ख़राब भी किया, बट धीरे धीरे अब हर चीज़ को वापस उसी जगह पे लाना पड़ेगा।
जिन चीज़ों का यूज़ हम डेली करते हैं वो हमारे सामने बहुत डर्टी पड़ी हों तो देख के अच्छा नहीं लगता, जब हम उन्हें क्लीन कर देते हैं तो अलग सी सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो लीजिए, मैंने तो अपनी चिमनी क्लीन कर दी है, अब बारी आपकी है। चलिए अब करते हैं फ्रिज क्लीनिंग। फ्रिज को क्लीन करने के लिए भी हम सेम सॉल्यूशन बनाएंगे। तो एक चम्मच लिया है मैंने यहाँ पे डिश सोप, एक कप लिया है पानी, हाफ कप डालेंगे हम विनेगर और बस इनको मिक्स करके स्प्रे बॉटल में फिल कर लेंगे। स्प्रे बॉटल में फिल करने से क्लीनिंग करना और भी इजी हो जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रिज में से सारा सामान बाहर निकाल देंगे, यानी कि इसको बिल्कुल खाली कर देंगे। अब सारा सामान बाहर निकालेंगे तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको ऐसी भी दिखें जिनका यूज़ आप नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो आपके फ्रिज में स्पेस घिरे हुए हैं। तो डीप क्लीनिंग जब हम करते हैं तो यही मौका होता है हर चीज़ को बाहर निकाल के एक बार चेक करने का। अगर कुछ एक्सपायरी बॉटल्स हैं तो वो भी निकल जाएंगी, कुछ लेफ्ट ओवर्स पड़े हैं जो खाने लायक नहीं है तो उनको भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दो बॉटल्स मेरी ऐसी हैं जो ऑलमोस्ट खाली हैं लेकिन फिर भी वो फ्रिज में पड़ी थी। कुछ बॉयल्ड एग रखती हूँ, दो दिन में यूज़ कर लेते हैं इनको। मिर्ची और सॉल्ट का पेस्ट है लेकिन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और हाफ नींबू कट करके रखती हूँ ताकि फ्रिज में अच्छी खुशबू बनी रहे। तो लीजिए, सारा सामान मैंने बाहर निकाल दिया है, फ्रिज बिल्कुल खाली है। तो अब हम शुरू करेंगे उसकी क्लीनिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रिज इस टाइम बिल्कुल खाली है, तो आप अच्छे से चेक कर सकते हैं जहाँ पे कुछ गिरा हुआ है वहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। और स्प्रे करने के बाद दो तीन मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे, और उसके बाद इसे क्लीन करना और भी इजी रहेगा क्योंकि हमने इसमें विनेगर भी डाला है जिससे कि फ्रिज ऑडर फ्री हो जाएगा, यानी कि किसी तरह की कोई भी स्मेल अगर आपके फ्रिज में होगी तो वो चली जाएगी। आउटर पार्ट तो ऑलमोस्ट डेली ही क्लीन हो जाता है जब हम किचन की डस्टिंग करते हैं, फ्रिज के इनसाइड पार्ट को भी अगर स्पिल्स गिरते ही क्लीन कर दिया जाए तो वो ज़्यादा डर्टी नहीं होता, फूड भी सेफ रहता है और फ्रिज भी स्मेल फ्री। बस दो तीन मिनट के बाद आपने माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसको क्लीन करना शुरू कर देना, हम से क्लीन हो जाता है। आपका फ्रिज ज्यादा गंदा है तो आप स्क्रबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लास शेल्फ है तो क्लोथ के साथ साथ पेपर नैपकिन का इस्तेमाल भी कर रही हूँ ताकि किसी तरह का कोई भी स्टेन विजिबल ना रहे। वेजिटेबल बास्केट में पेपर नैपकिन में बिछा के रखती हूँ, बास्केट को क्लीन करने का काम थोड़ा कम हो जाए। डीप क्लीनिंग के वक्त अगर इसको वॉश करने की जरूरत पड़े तभी इसे वॉश करें, अदरवाइज इस क्लीनर से आप इसको क्लीन कर सकते हैं। मैं एवरी वीक यानी कि हर मंडे को मैं वेजिटेबल बास्केट क्लीन करती हूँ क्योंकि एवरी संडे हम लोग वेजिटेबल की शॉपिंग करते हैं, तो संडे इवनिंग या फिर मंडे मॉर्निंग में इसको क्लीन करने के बाद ही वेजिटेबल्स इसमें स्टोर करती हूँ। और एवरी वीक क्लीन करने की वजह से ये इतनी डर्टी भी नहीं होती है तो इसे इसी सॉल्यूशन के साथ मैं इजीली क्लीन कर सकती हूँ। एटलीस्ट वीक में एक बार सारा सामान चेक कर लेना चाहिए ताकि अनवांटेड फूड फ्रिज में से निकाला जा सके और आपका फ्रिज ऑर्डर फ्री भी रहे। काफी लंबे टाइम तक अगर आप ये क्लीनिंग नहीं करते हैं तो आपके फ्रिज में जर्म्स पैदा होने लगते हैं जिससे फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। लेकिन ऑन रेगुलर बेसिस अगर आप फ्रिज क्लीनिंग करते रहते हैं तो आपको रैक्स वगैरह निकाल के वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आप क्लीनर की हेल्प से फ्रिज को क्लीन कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। आज वीडियो के लिए मुझे सारे अप्लायंसेज एक साथ क्लीन करने पड़ रहे हैं, अदरवाइज इनको मैं डिवाइड करती हूँ। जब आप अपने काम को अपनी चीज़ों को डिवाइड करते हैं तो वन बाय वन आपकी नज़र हर चीज़ पे रहती है और हर चीज़ को क्लीन करना आपके ध्यान में। तो चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा लेकिन फ्रिज मेरा क्लीन हो चुका है तो फटाफट से सारा सामान इसमें वापस रख लेते हैं। वेजिटेबल बास्केट में मैंने बिछा दिया है पेपर नैपकिन और बस सारी वेजिटेबल्स मैं इसमें वन बाय वन रखती जाऊँगी। नीचे की शेल्फ में मैंने डो रखा है, साथ ही ब्रेड रखी है, उसके ऊपर वाली शेल्फ में मैंने लेमन्स रखे हैं, पालक प्यूरी रखी है और साथ ही दो बास्केट्स रखी हैं, एक में एग्स और दूसरी में अनियन और गार्लिक वगैरह पील करके रखा रहता है। टॉप शेल्फ पे सारे डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध, दही और मलाई, साइड डोर पे बॉइल्ड एग्स के अलावा जैम, चटनी, केचप्स और कुछ अलग अलग सॉसेज होती हैं जो स्नैक्स के काम आती हैं। तो चलिए अब क्लीन करते हैं माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव को क्लीन करने के लिए सबसे पहले हमें माइक्रोवेव में स्टीम क्रिएट करनी होगी जो कि हम करेंगे लेमन और वाटर के साथ। दो लेमन्स का जूस मैंने निकाला है माइक्रोवेव सेफ बाउल में, थोड़ा सा पानी उसमें डाल के 3 मिनट के लिए 100 डिग्री पावर पे इसे चला देंगे।
एक बार अच्छे से स्टीम क्रिएट हो जाए तो ये मैजिक की तरह काम करता है और विद इन 5 मिनट्स आप अपना माइक्रोवेव क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ इसको वाइप करें एंड दैट्स इट। इसकी प्लेट निकाल के इसको अलग से वॉश कर सकते हैं। लेमन स्टीम के साथ ये अच्छे से वॉश हो जाता है, लेकिन अगर फिर भी आपके माइक्रोवेव में कुछ स्टबन स्पॉट्स हैं, क्लीन नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आप स्क्रब पे थोड़ा सा डिश सोप लगा सकते हैं। लेमन स्टीम आपके माइक्रोवेव में ऑलरेडी है, तो आप इस स्क्रबर की हेल्प से उन स्टबन स्पॉट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। कई बार कोई फूड हमारे हाथ पे लगा होता है, उसी तरह से हम माइक्रोवेव को ओपन या क्लोज कर लेते हैं, जिससे कि वो फूड हैंडल पे भी लग जाता है और हैंडल पे भी स्पॉट आ जाते हैं। स्क्रब की हेल्प से आप उसको भी इसी तरह से क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं क्लीन करने जा रही हूँ ग्राइंडर मिक्सर। इसे क्लीन करने के लिए हम थिक पेस्ट रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 टीस्पून लिया है बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून डिश सोप, और साथ ही डाल दिया है 2 चम्मच के अराउंड इसमें व्हाइट विनेगर। और इसके बाद ये इस तरह का थिक पेस्ट बन जाएगा, जिसे हम इसी मिक्सर ग्राइंडर पे अप्लाई करेंगे। तो किसी तरह के कोई भी स्पॉट्स हो, किसी तरह के कोई भी ड्राई हो चुके फूड स्पॉट्स हो, बस इस पेस्ट को आपने मिक्सर ग्राइंडर पे अच्छे से अप्लाई करना है और इसको 3 से 4 मिनट छोड़ देना। कई बार हमारा शेड्यूल इतना बिजी होता है कि हमारी डेली यूज की चीजों को भी क्लीनिंग के लिए वेट करना पड़ता है, और इसीलिए उन पे काफी स्ट्रॉन्ग स्पॉट्स आ जाते हैं, जिसे क्लीन करने के लिए आपको किसी ना किसी क्लीनर की हेल्प लेनी ही पड़ती है। तो ये DIY क्लीनर है, तो विनेगर, बेकिंग सोडा और डिश सोप तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ऑसम है। आप इनका यूज करके घर की बहुत सारी चीजों को क्लीन कर सकते हैं। तो नैरो एरियाज को क्लीन करने के लिए मैं टूथब्रश की हेल्प ले रही हूँ। लेकिन जहां आपका टूथब्रश भी काम ना करे, वहां पे आप ईयरबड की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर में बहुत ही नैरो एरिया भी होते हैं, जहां तक पहुंचने के लिए ईयरबड आपकी बहुत हेल्प करेगा। सारी डर्ट निकाल लेने के बाद नैरो एरियाज को क्लीन क्लोथ से क्लीन करने के लिए आप बटर नाइफ की भी हेल्प ले सकते हैं। डेली हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम हर चीज को डीपली क्लीन कर सकें, लेकिन जब भी हम ये करें तो पूरी तसल्ली के साथ करें और कोई कॉर्नर छूट ना पाए। सो इन द लास्ट हम करेंगे क्लीन सैंडविच मेकर। इसके लिए 8 से 10 चम्मच लिए हैं पानी के और 2 चम्मच डाला है उसमें विनेगर। बस इतना सा सलूशन हमने बनाना है और ब्रश के साथ सैंडविच मेकर पे इसको अप्लाई कर देना है। उसके बाद प्लग ऑन करेंगे एटलीस्ट 30 सेकेंड तक, और जब हम इसको खोलेंगे तो इसमें से स्टीम निकल रही होगी। तो ये गर्म हो चुका है और रेडी है ये क्लीन होने के लिए, और ब्रश के ऊपर लगाएंगे हम डिश सोप और उसके साथ हम इसको बस क्लीन कर देंगे। थोड़ा गर्म हमने इसे इसीलिए किया है ताकि कुछ ब्रेड के पार्टिकल्स अगर हार्ड हो चुके हैं तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे, और विनेगर तो वैसे ही एक बहुत ही अच्छा क्लीनर है, और टूथब्रश नैरो एरिया से ग्रीस निकालने में आपकी काफी हेल्प करेगा। आप स्क्रबर का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखें कि वायर्स में पानी नहीं जाना चाहिए। बस सेम वे में ही दोनों साइड से मैं इसको क्लीन कर लूंगी। उसके बाद एक क्लीन क्लोथ के साथ हम इसको वाइप करेंगे एंड दैट्स इट। आई होप ये वीडियो कुछ हद तक आपके लिए हेल्पफुल होगी। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का वेट करते हुए विदा लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।